मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रमज़ान स्पेशल वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चना चाट, जिसमें कोई मेहनत नहीं लगनी आपकी, बहुत जल्दी से ये रेडी हो जाएगी और कोई इसमें हमें स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छी सी ये डिश एक अलहदा से तैयार हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ये बिल्कुल फ्री होता है। इससे बस हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती है और आप हमारी ईजी और सिंपल रेसिपीज़ को टाइमली इंजॉय कर पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने ये मज़ेदार चना चाट कैसे बनाई। मज़ेदार चना चाट बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे एक पाव के करीब उबले हुए सफ़ेद चने। उसके बाद सेम क्वांटिटी में हमने यहाँ पे आलू लिए हैं, बॉईल करके काट लिया है। फिर है हमारे पास धनिया और पुदीने की चटनी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दही, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो बड़े चम्मच होते हैं वो हमने लिया है। फिर है हमारे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक बड़े साइज़ का खीरा, उसको भी हमने पील करके काट लिया। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, उसको भी हमने काट लिया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची, उसको भी हमने काट लिया। बाकी के जो ड्राई स्पाइसेस है वो हम लोग साथ साथ देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी और बनाते हैं रमज़ान स्पेशल मज़ेदार चना चाट। तो यहाँ पर हम लोग मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चने ऐड कर रहे हैं। चने ऐड करने के बाद हम लोग इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने जो प्याज लिया था उसको काट के वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग इसमें आलू ऐड कर रहे हैं जो कि हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर खीरा, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जो कि हमने काट के रखी हुई है वो भी हम लोग ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को पहले हम लोग एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप जो सफ़ेद चने हैं उनको बॉईल करके 1 से 2 महीने तक के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, आप पूरा महीना 2 महीने उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई मिक्स, अब हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। तो यहाँ पर चाट मसाला मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने दही लिया था उसके अंदर हम लोग धनिया पुदीने की चटनी मिक्स करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सो गाइस, दही के अंदर आप देख सकते हैं मैंने इतनी सी धनिया पुदीने की चटनी डाली है। वीडियो का वो पार्ट शूट नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्वान्टिटी दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, हम इसे चाट में ऐड कर देते हैं। अगर आपको दही ज़्यादा पसंद है चाट में तो आप दही की क्वांटिटी डबल कर लेंगे, साथ में जो हमने चटनी ऐड की है उसकी क्वांटिटी भी फिर आप डबल कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप दही कम रख के चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चले जी, हमारी आसान और मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चना चाट हो गई है रेडी। कोई मेहनत नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, विद इन मिनट्स ये रेडी हो जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चले हम लोग देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी, ये है फाइनल लुक हमारी आज की रमज़ान स्पेशल वीडियो की। बहुत ही मज़ेदार ये चाट रेडी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं अगर आपको बताती चलूँ कि अगर आप नमक के लिए कंफ्यूज हो जाएं तो वो परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने जो दही में चटनी ऐड की थी उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो इससे मैंने यहाँ पे नमक ऐड नहीं किया। अगर आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम लगे तो आप नमक बाद में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं चाट मसाला के साथ, या दही जब आप बनाएँ तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।